तो सभी दोस्तों को नमस्कार का नमस्कार। और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर मैं आज आपको ईएमआरएस के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। ईएमआरएस का सिलेबस क्या है और ईएमआरएस का सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, दोनों बातें। सिलेबस क्या है ये तो आप वेबसाइट से नोट कर सकते हो। आप जान रहे हो कि हमारी जो एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन किस चीज़ की, आपको खूब अच्छे से पता है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा इसकी वैकेंसीज निकलती हैं, और ये वैकेंसीज जो हैं वो हमें ये बताती हैं कि आखिरकार इन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हमें पीजीटीज की ज़रूरत है इंडिया के अंदर। और ये पीजीटीज जो होंगे वो हमारे उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो डिसेबल्ड बच्चे होंगे। कहने का तात्पर्य है, डिसेबल्ड का मतलब है जो इकोनॉमिकली वीक ट्राइबल स्टूडेंट एसटी कैटेगरी पे जो आते हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिलेबस आखिरकार क्या है। तो अगर आप जानकारी में रखते हो तो ये जनरल पेपर का सिलेबस है, जो कॉमन सिलेबस होता है ये जनरल पेपर का सिलेबस है जो ऑलरेडी आपने डाउनलोड किया है। लेकिन सिलेबस बहुत बड़ी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार, देखिए जनरल की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ अपने केमिस्ट्री सिलेबस की। तो यहाँ पर चले आइए, केमिस्ट्री सिलेबस में कौन कौन चीज़ों पर आपको नज़र रखनी है। कहीं कॉपी पेन ले लीजिए और कॉपी पेन पर ये नोट कर लीजिए कि केमिस्ट्री में ये पढ़ लेना है तो हमारा कल्याण हो जाएगा। केमिस्ट्री में कल्याण करने के लिए आपको पता होना चाहिए, कॉपी पेन बहुत ज़रूरी है। नोट करिए कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमें बहुत नहीं पढ़ना है, हमें केवल इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कंसेप्ट पर नज़र रखनी है। और स्टाइकियोमेट्री की कैलकुलेशन, केमिकल रिएक्शंस और स्टाइकियोमेट्री एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टाइकियोमेट्री, इतना पार्ट अगर आपने पढ़ लिया ना तो फिर यहाँ से नंबर आप नोट कर लिए, चैप्टर 100% आप सॉल्व कर लेंगे, मेरा वादा है आपसे। अनुसर के जितने भी अभी तक बताई है डिटेल, वो सभी डिटेल आपको हर एग्जामिनेशन में मदद मिली होगी, ये भी बिल्कुल सत्यता है। और उसी सत्यता के चलते मैं आपको ये वीडियो दे पा रहा हूँ, और इस वीडियो में आपको 100% बताने की कोशिश करूँगा कि क्या पढ़ लीजिएगा, कहाँ से क्या पढ़ना जरूरी हो जाएगा वो आप जान लीजिए यहाँ से। तो इनमें मूल कंसेप्ट यानी कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको मात्र 3 टॉपिक यहाँ पर पढ़ने, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और दूसरी चीज आपको बताऊंगा, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात आती है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्या पढ़ना चाहिए वो भी नोट कर लीजिए और पेपर देखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब हम लोग चलेंगे तो एक तो हमें आइसोटोप आइसोबार के एग्जाम्पल्स आने की पूरी उम्मीद है कि यहाँ से आपको एग्जाम्पल मिल सकता है, कोई भी एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा तो ये नोट करिए कि ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकता है और इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, इसकी संभावना भी पूरी तरीके से है। दूसरी तरफ चले जाइए, अगर रदरफोर्ड मॉडल का देखोगे तो इसकी लिमिटेशन आ सकती है, तो लिमिटेशन याद करोगे। बोहर मॉडल का कंसेप्ट जो है वो सेल और सबसेल में अगर आपसे पूछा गया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछ सकते हैं कि भाई पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बोहर मॉडल पे अगर चले जाओगे तो मैंने कई बार बताया है कि एनर्जी पर बेस क्वेश्चन यानी एनर्जी कैलकुलेट करवा सकते हैं, रेडियस कैलकुलेट करवा सकते हैं, ई अपॉन एम रेशियो कैलकुलेट करवा सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप बोहर मॉडल से पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है बहुत बेनिफिट होगा। और दूसरी चीज़ क्या है, वो 100% आनी है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निश्चित है बिल्कुल, क्वांटम नंबर पर भी एक क्वेश्चन निश्चित है, 100% आएगा, इसमें नहीं रुक पाओगे आप। पाउली एक्सक्लूजन पर भी क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और फुल फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को नोट करना चाहिए मेरे हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन नोट कर लीजिए यहाँ से। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पर चले आइए, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या ध्यान देना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करते चले जाइए। तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड पर मेरे हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको रट लेना चाहिए, बिल्कुल 100% इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितने भी दे रखे हैं उनको पूरी तरीके से याद कर लिए। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ईसी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, और अगर आपने ईसी नहीं पढ़ा है तो एक्सेप्शन तो जरूर ही पढ़ लीजिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ तो मॉलिब्डेनम पढ़ लीजिए, मॉलिब्डेनम के बाद आप सिल्वर पढ़ लीजिए, सिल्वर के बाद आप कॉपर पढ़ लीजिए, कॉपर के बाद आप क्रोमियम पढ़ लीजिए, क्रोमियम के बाद आप गोल्ड पढ़ लीजिए, ये सब एक्सेप्शन प्लेटिनम पढ़ लीजिए,
ये एक्सेप्शंस आप जरूर पढ़िए, जिससे कि और इन्हीं पर बेस क्वांटम नंबर निकालना भी सीख लीजिए। जैसे एन की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू क्या होगी, एस की वैल्यू क्या होगी, एंड सो ऑन। इस पर बेस क्वेश्चन भी आपको मेरे हिसाब से कर लेने चाहिए, और प्रैक्टिस जितनी भी मैंने कराए उनको सबको कर लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर चले आइए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में बहुत परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, पीरियोडिक टेबल में भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पहले ही बता दे रहा हूँ कि जिनको मैं नीले कलर से बना रहा हूँ, जैसे आपको अगर सिंपली पूछा जाए तो इनर्ट गैसेस का रेडियाई डिफरेंस होता है, क्यों बड़ा होता है, इस पर ध्यान दीजिए। आयनेशन पोटेंशियल या आयनेशन एंथैल्पी में एक्सेप्शंस जरूर पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के एक्सेप्शन जरूर पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के एक्सेप्शन जरूर पढ़ लीजिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये एटॉमिक नंबर मोर देन 100 के IUPAC नेम मैंने करवाए, उनको कर लीजिए, बहुत सिंपल है। तो इतना इसमें करना है, बाकी इसमें ट्रेंड ट्रेंड तो जरूर ध्यान रखना, कौन ज्यादा है कौन कम है आयनेशन एंथैल्पी में, इसको पूरा पढ़िएगा कायदे से। केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में चले आइए, ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को किसी भी कीमत पर आपको लीव नहीं करना है, और एक एक बात जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करिए कहीं पर ले जा करके। कोवेलेंट करेक्टर 100% आयनिक बॉन्ड का फजान रूल के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, तो यहाँ पर मैं फजान रूल लिखे दे रहा हूँ, तो यहाँ पर फजान्स रूल आप छोड़िएगा नहीं, पढ़ के जाइएगा फजान का रूल, अन्यथा आप पछताएंगे, हर कीमत पर बता रहा हूँ। वेस्पर थ्योरी का एक एग्जाम्पल जरूर पूछा जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन किसी की भी निकलवा करके देखी जाएगी sp3d में से, और साथ में आपको यहाँ पर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना पता रहना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर और स्ट्रेंथ दोनों की, मतलब कौन बॉन्ड ऑर्डर कितना है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा बॉन्ड डबल बनेगा, कौन सा बॉन्ड सिंगल बनेगा, इन सब पर भी आपकी डिटेल जानकारी रहनी चाहिए, तो जरूर पढ़िएगा, इसे बिल्कुल भूलना नहीं। और हाइड्रोजन बॉन्ड में केवल और केवल एग्जाम्पल्स और उनके MP BP पर फोकस जरूर कर लीजिएगा, तो आपको बेनिफिट यहाँ से मिलेगा, अन्यथा आप परेशान होंगे, कोई फायदा नहीं निकलेगा। केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा है जो टिपिकल चैप्टर में गिना जाता है, इसको मैं टिपिकल में गिनता हूँ, लोग इसे टिपिकल में गिनते हैं, मैं नहीं, लोग इसे टिपिकल में गिनते हैं। और टिपिकल चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये डाउट और कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है। इसमें एक तो आप फर्स्ट लॉ का केवल फार्मूला याद कर लीजिए, और अंडर डिफरेंट कंडीशन याद करिए, तो यहाँ पर आपको फार्मूला जरूर पढ़ना है, और फार्मूला डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है, एक बात और ध्यान दीजिए। दूसरी बात चलिए कि डेल्टा यू डेल्टा एच में रिलेशन पर इस पे न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए कि सर यहाँ से न्यूमेरिकल आने का तय है, तो यहाँ आप न्यूमेरिकल पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो ये आप न्यूमेरिकल पढ़िए यहाँ ध्यान से। तो मैं यहाँ एरो लगा दे रहा हूँ और इस पे लिखे दे रहा हूँ न्यूमेरिकल, तो यहाँ मैंने न्यूमेरिकल लिख दिया, एक न्यूमेरिकल इस पे संभावित है 100%, कोई रुकेगा नहीं, किसी की मत नहीं रुकेगा। इसके बाद आ जाइएगा एग्जाम्पल्स, अगर याद रखना तो हीट ऑफ सब्लिमेशन में याद रखिएगा, और एक एटमाइजेशन पर तो उम्मीद मुझे पूरी लग रही है, इस पर मैं स्टार भी बनाकर दे रहा हूँ कि आप एटमाइजेशन जरूर पढ़िएगा, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, संभावना है। गिब्स फ्री एनर्जी पर भी क्वेश्चन मिलेगा, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी, और थर्ड लॉ की डेफिनेशन पढ़िएगा, केवल डेफिनेशन पढ़िएगा और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, इतना काम करिए इसमें। और एंट्रोपी किसकी ज़्यादा होती किसकी कम होती है, तो एंट्रोपी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है नहीं, इट इज़ नॉट ए मैटर, वो तो आपको पता ही है कि है, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ लेने, तो एंट्रोपी के एग्जाम्पल आप बिल्कुल पढ़ करके जाइएगा, छोड़िएगा नहीं एग्जाम्पल, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, निश्चित है। इक्विलिब्रियम टॉपिक पर आ जाइए, मैं इक्विलिब्रियम टॉपिक पर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो इक्विलिब्रियम में एक तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़िए, आप ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़िए, 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, pH वैल्यू पर क्वेश्चन मिलेगा, शार्प प्रिंसिपल अगर आप जानते हैं तो जान रहे होंगे। एक तो हेंडरसन हैसलवॉक इक्वेशन है ना, बिल्कुल आप इस पे रख लीजिए कि क्वेश्चन निश्चित है, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेंडरसन इक्वेशन पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा, जरूर पढ़ के जाना है आपको एग्जामिनेशन में। और साथ ही साथ अगर आप देखना चाहेंगे तो pH पर भी, और हाइड्रोलिसिस सब सॉल्ट के फार्मूले थोड़े समय से आगे बढ़ा दे रहा हूँ, फार्मूले भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पर जो क्वेश्चंस जो भी करें, इक्विलिब्रियम पर जो भी क्वेश्चंस करें वो एकदम अप टू द मार्क होने चाहिए, क्वेश्चन में कोई समझौता नहीं करेंगे, जितनी ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके करिएगा। रेडॉक्स मैंने करवाया है क्वेश्चन, रेडॉक्स में कौन कौन से आ सकते हैं वो भी आपको, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर पे 100% नोट डाउन कर लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जा सकता है। एक्सेप्शंस यहाँ पर जरूर पढ़ लीजिएगा, जिनके अंदर एक्सेप्शन छुपा हुआ है
उनको नहीं छोड़ना है, नहीं आप अक्सर उन्हीं को छोड़ देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको देखिएगा, वो बात अलग है, लेकिन जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इनको नहीं छोड़ना है। अब आ जाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले बेसिक जनरल प्रिंसिपल का ये पूरा टॉपिक, यहाँ मैं फुल टॉपिक को इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में ले जाऊँ, यहाँ कोई भी चीज़ छोड़ने वाली नहीं होती है, तो मैं इसको तो 100% इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में ले जाऊँ, यहाँ कुछ भी नहीं छोड़िएगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक एक पॉइंट इसका पढ़ लेना है, अगर चाहो तो प्योरिफिकेशन छोड़ दीजिएगा, बाकी सभी पढ़ लेना, कुछ भी नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान दीजिए। अब आइए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हमें कौन सी रिएक्शंस पर फोकस कर लेना चाहिए। देखो यहाँ तो एक कन्फर्मेशन ऑफ इथेन केवल देख लीजिएगा, कन्फर्मेशन ऑफ इथेन देख लेना है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर फोकस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद चले आइए मार्कोनिकोफ्स रूल और एडिशन पर ऑक्साइड इफेक्ट, इस पर भी लिख लीजिए कि आएगा, यहाँ लिख दे देता हूँ, ये आएगा 100% आएगा, कोई बचा नहीं सकता, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चले आइए, अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मतलब सिंपल क्वेश्चंस भी अगर देखोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर मिल जाएंगे, लेकिन जो टिपिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एसिडिक करेक्टर ऑफ द एल्काइन्स, 100% एडिशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन हाइड्रोजन हैलाइड एंड वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाइएगा, छोड़ना आपको किसी कीमत पर नहीं है, ठीक है। इसके बाद बेंजीन में चले जाइए, बेंजीन में नाइट्रेशन पर क्वेश्चन बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर बनेगा, फ्री रेडिकल पर भी आप लिख लो, फाइनल हो गया, फ्री रेडिकल पर भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको पूरा छोड़ना नहीं किसी कीमत पर, ठीक है। कार्सिनोजेनिक कंपाउंड कौन सा होता है, इस पे बहुत आने की उम्मीद तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। एरोमेटिसिटी पर आप 1000% पूरा कर दो इसे कि 100% आना, मैंने यहाँ पर स्टार इसके लिए लगा दिया है। तो ये आपको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस कर लेने हैं। सॉल्यूशन में जब आप जाएंगे तो सॉल्यूशन के अंदर बिल्कुल जो बताऊं उतना पढ़ना, एक तो राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन पढ़ लेना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी, जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका फार्मूला पढ़ना, ये कॉलिगेटिव ही है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इस पे भी डिटेल, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनके फार्मूला पढ़ने, उन पे बेस न्यूमेरिकल, तो यहाँ पर मैं लिख के दे रहा हूँ, इनके फार्मूला पढ़िए, बाकी सब छोड़ दीजिए, अनुसर की बात मानिए, फार्मूला पढ़िए और साथ में इनके न्यूमेरिकल कर लीजिए, न्यूमेरिकल कर लीजिए, और जैसे ही आप न्यूमेरिकल करेंगे समझ लीजिए आपका समस्या का समाधान हो गया। और आ जाइए वेंडरवॉल पर, वो वेंट ऑफ फैक्टर पर, तो वेंट ऑफ फैक्टर तो इम्पोर्टेंट है ही, इस पे भी आई की वैल्यू इन्हीं के टर्म में जरूर पढ़ लीजिए, मेरी लाइव की वीडियो जो है मेरे ऐप पर जा करके देख सकते हो, वहाँ पूरी डिटेल स्टडी दे रखी है। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप जानिए कि नर्स्ट इक्वेशन पर क्वेश्चन मिलना है, निश्चित है, तो यहाँ पर मैं लिख के दे रहा हूँ बिल्कुल 100% नर्स्ट नर्स्ट इक्वेशन पर क्वेश्चन डेफिनेट है, आप नोट करिए अभी और बाद में पेपर में देखिएगा, एक बात ये करनी है। दूसरी, आपको कोलरेस लॉ पर भी क्वेश्चन बिल्कुल फाइनल होने जा रहा है, तो यहाँ पर कोलरेस लॉ पर भी आप 100% एक क्वेश्चन लगा लीजिए, बताइए बोले अनुसर ये क्या कह रहे हो आप। इसके बाद चले आइए कि गैल्वेनिक सेल में कैथोड एनोड पर रिएक्शंस क्या होती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है स्पेसिफिक एंड मॉलिकुलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक और मोलर कंडक्टिविटी मत भूलना, पढ़ करके जाना है आपको, अन्यथा आप परेशान होंगे, बिल्कुल निश्चित, अनुसर ने जो भी बोला जो कमिटमेंट किया है वो आएगा, इसलिए आप परेशान होंगे तो फिर आपका नुकसान है। केमिकल काइनेटिक्स पर चले आइए, केमिकल काइनेटिक्स में कुछ मत पढ़ करके जाना, केवल एक आरहेनियस की इक्वेशन पढ़ लीजिएगा, आरहेनियस की इक्वेशन में एक्टिवेशन एनर्जी के साथ में पढ़िएगा, और साथ में ही आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ ओनली जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर, इतना पढ़ के जाना, फिर लौट के आपको बताना कि सर ये हमारा हुआ है। कैटलिस्ट में टाइप पढ़ लीजिएगा, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसमें पढ़ने के लिए, ये दो चीज़ें आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़िए, ठीक है। उसके बाद अगर डी और एफ ब्लॉक की मैं बात करता हूँ, तो डी एफ एफ ब्लॉक में लोग परेशान है कि सर बहुत ज़्यादा है क्या पढ़े, कुछ मत पढ़िए, इसमें बताने की कोशिश करूंगा कि आप केवल कलर की प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, कैटालिटिक प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, और एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड किन किन से बनते हैं और कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, K2Cr27 के जिनसे बनाया जाता है उन और के नाम और फार्मूले, वही सेम KMnO4 के केस में आपको करना है, बाकी और कोई प्रॉपर्टी आपको पढ़ने की यहाँ पर भी कोई जरूरत नहीं, बड़ा अजीब
बात है ना, बहुत सिलेक्टेड बता रहा हूँ, बिल्कुल लिमिटेड बता रहा हूँ, इतना पढ़ के जाना, भरोसे के साथ आपको एग्जाम में मदद मिलेगी। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन में आ जाना, इसे पढ़ लीजिए, और एक्टिनॉइड में इसका कंपैरिजन कर लेना बस, यानी कि ये पढ़ने के बाद इसका कंपेयर करोगे एक्टिनॉइड से। कंपेयर किससे करना है? एक्टिनॉइड से कंपेयर करना है, आपको 100% सफलता मिलेगी। कोऑर्डिनेशन में जो बताऊं पढ़ लेना, अगर ना आए तो बताना। एक तो आईयूपीएससी भाई कोई भी आ सकता है, यहाँ बहुत बड़ी बात नहीं कहने वाली, लेकिन वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पर एक एग्जाम्पल आ सकता है कि सेकेंडरी वैलेंसी पूछ सकते हैं एग्जाम्पल के साथ में, और साथ ही साथ क्रिस्टल फील्ड और बैलेंस इन पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एग्जाम्पल्स जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन सभी के एग्जाम्पल्स में बहुत ज़्यादा फोकस करूंगा, और एग्जाम्पल्स में भी खास बात है कि कौन डाया होगा, कौन पैरा होगा, इन सब चीज़ों पर भी आपको फोकस करके चलना, केवल साधारण चीज़ें नहीं छोड़नी है आपको। हेलो एल्केन हेलो एरीन पर आ जाइए, हेलो एल्केन हेलो एरीन क्या कहते हैं, इनमें से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है? तो देखिएगा साहब, यहाँ पर हेलो एल्केन हेलो एरीन में एक तो आपको यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर फोकस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी बहुत है। उन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में से कम दो रिएक्शन या तीन रिएक्शन आपको मिलेंगी, टू रिएक्शंस मैं यहाँ पर लेके दे रहा हूँ, 100% मिलनी है। कौन कौन सी मिलनी है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ, तो केसीएन से भी पढ़ लीजिएगा, एजीसीएन से पढ़िएगा, अमोनिया से पढ़ लीजिएगा, थायो सोडियम थायो ऑल से पढ़ लीजिएगा, ये रिएक्शन जरूर पढ़ना, आप छोड़ना नहीं है इनको। उसके बाद फ्रियोन, इसका यूज, डीडीटी का यूज, और इसमें फार्मूला हो सकता है, आयोडोफॉर्म का टेस्ट जरूर पढ़ लेके जाना है आपको, तो यहाँ पर आपको टेस्ट पढ़ लेना, आयोडोफॉर्म का तो टेस्ट पढ़िएगा, इसकी प्रिपरेशन जरूरी नहीं लेकिन क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन जरूरी है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चले आइए एल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर पे आइए, एल्कोहल्स फिनॉल ईथर क्या कहते हैं जनाब? तो एल्कोहल्स फिनॉल ईथर में कुछ नहीं करना जो मैं बता रहा हूँ। एक तो डिहाइड्रेशन यूजेस स्पेसिफिक रेफरेंस मेथड, आप इथेनॉल में नहीं, केवल डिहाइड्रेशन यूजेस, मतलब मेथेनॉल इथेनॉल का कंपेयर कर लीजिएगा। फिनॉल में चले आइए तो फिनॉल का एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका एसिडिक नेचर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी? वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो कैसी, अनसिमेट्रिकल ईथर में है, तो अनसिमेट्रिकल ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी, अनसिमेट्रिकल ईथर में चले जाइएगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में चले आइए, अंतिम पड़ाव पर हम लोग हैं, और अंतिम पड़ाव में आपसे बताने की कोशिश करेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ें। एक तो एसिडिक नेचर जरूर पढ़िएगा, है ना, एसिडिक नेचर से क्वेश्चन आना है। केमिकल प्रॉपर्टी जितनी भी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की, जो जिसमें नेम रिएक्शन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा आपसे कि आप नेम रिएक्शन पर फोकस कर लीजिएगा, नेम रिएक्शंस पर फोकस कर लीजिएगा, और यही नेम रिएक्शन आपको, हमें उम्मीद है कि लगभग और लगभग यहाँ से आपको चार क्वेश्चंस मिलने की भरपूर उम्मीद है, चार क्वेश्चन पूरे भरपूर मिलेंगे। एमीन से चले आइए, तो एमीन से क्या उम्मीद हो सकती है आपको वो भी मैं जताए दे रहा हूँ। एमीन में जो सबसे ज्यादा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एमीन्स जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट से पढ़ करके जाइए, किससे पढ़ के जाएंगे? हिंसबर्ग रिएजेंट से पढ़ करके चले जाइएगा, तो हिंसबर्ग रिएजेंट से जब आप पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको मिलेगा। डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, इसका फार्मूला क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज एमीन्स की, वही आपके रिएक्शन जितनी भी है, नेम रिएक्शन यहाँ पर भी बोलूंगा, छोड़िएगा कोई भी नहीं, नेम रिएक्शन हो गए जैसे कार्बिल एमीन हो गई, है ना, कार्बिल एमीन के बाद आपकी हॉफमेंस ब्रोमाइड रिएक्शन हो गई, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस हो गई, ये सब रिएक्शन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बायोमोलिक्यूल में आइए, नोट कर लीजिए अनुसर की बात को, डीएल कन्फ्यूरेशन से एक क्वेश्चन मिलना बिल्कुल निश्चित है, निश्चित है। और इसके बाद आपको एक और बात बताता हूँ, पेप्टाइड बॉन्ड पर ज्यूटरायन बन सकता है, अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड पर ज्यूटरायन पर क्वेश्चन आ सकता है, और कौन सा स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है कौन सा नहीं, विटामिन और उनके रोल में, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, डीएनए आरएनए में कौन सा बेस होता है कौन सा नहीं होता है, ये सिंपल आइडियाज आप भी अपने मन में रखिएगा। और यहाँ पर एक म्यूटा रोटेशन वर्ड है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बहुत सिंपल तरीके से, कितने तरीके से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ेंगे वही आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जरूर ध्यान दीजिए कि आपने जो टॉपिक मैंने आज आपको बताए हैं, इन टॉपिक को अपनी कॉपी पर नोट करिए, और कॉपी पर नोट करने के बाद आप खटाखट इन टॉपिक को पढ़ डालिए, जिससे कि आपको 100% सिलेक्शन का क्राइटेरिया मिल सके, और जो अंडरलाइंड है वो मैं टॉपिक आपको
पीडीएफ के फॉर्म में लगा भी देता हूँ। तो अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, और इसकी अगर ईएमआरएस की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लोगे तो मुझे लगता है आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो वीडियो दोस्तों में शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख करके अपनी तैयारी प्रॉपर वे में कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।